Good afternoon, my dear students. Today, we are going to dis discuss the topics in this lecture: that is, types of mania, diagnosis, pharmacological treatment of mania, and psychosocial therapies which are used for the patient with manic disorders. The first topic we are going to discuss is types of mania. You already know that I have listed these types in the last lecture. And now we will discuss the types of mania in this lecture. And there are various types of mania which you already know that is hypomania, acute mania, delusional mania, bell's mania, or delirious mania. These are the four types of the mania. now we will discuss it one by one. if we will define the hypomania, you know mania is the state, is the disorder, psychiatric disorder, where the patient को क्या होता है? इसका मूड बहुत ज्यादा excited होता है, elevated होता है, irritated होता है. That is mainly excitability होती है अब ये mood. तो जो ये hypomania है ये एक क्लास ऑफ मेनिक डिसऑर्डर्स हैं अगर मैं हाइपोमेनिया की बात करूंगा ये वो टाइप ऑफ मेनिया है जिसमें एक इंसान को मूड चेंजेस हो जाती है दैट इज मूड चेंजेस जो ये मूड चेंजेस हो जाती हैं वो सीवियर होती है सीवियर मूड चेंजेस बट कंडीशन इज दैट इन दिस हाइपोमेनिक डिसऑर्डर इन दिस हाइपोमेनिक टाइप इसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है दैट मीज द पेशेंट विद हाइपोमिनिक डिसऑर्डर इसमें मूड चेंजेस तो आती है बट इन दिस कंडीशन दियर इज नो नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन दैट इज द टाइप फर्स्ट एंड नाउ इज द टाइप सेकेंड अगर मैं टाइप सेकेंड की बात करूँगा जो ये टाइप सेकंड है इसमें क्या होता है इसमें एक पेशेंट को इनस्टेबिलिटी आ जाती है इनस्टेबिलिटी और इस पेशेंट में स्टार्ट होने लगता है यूफोरिया यूफोरिया का आपको नाम पता होता है पता है कि कि देयर इज द स्टेज एक मेनिक मेनिया जो मूड डिसऑर्डर्स है उसमें एक स्टेज आती है दैट्स कॉल्ड यूफोरिया या उसको हम बोलते हैं स्टेज फर्स्ट या उसमें हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं देर इज अ माइल्ड मूड चेंजेस तो इन एक्यूट मीनिया देर इज यूफोरिया स्टार्ट होने लगता है पेशेंट है यूफोरिक फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस मूड चेंजेस और फर्स्ट ऑफ मूड चेंजेस वो कहाँ पे होते हैं जब पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है एक्यूट मीनिया को दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेबिलिटी एंड विद द यूफोरिया किस स्टेज में एक्यूट मीनिया में उसके बाद है डिल्यूजनल मीनिया आपने सुना होगा डिल्यूजनस डिल्यूजनस जब पेशेंट को आते हैं तो इसमें एक डिल्यूजन प्रॉब्लम आ जाती है कि इस पेशेंट में क्या हो जाती है ग्रेंडियोसिटी जो पेशेंट विद दिस डिल्यूजनल मीनिया एंड इस पेशेंट को क्या आता है उस पेशेंट को आता है ग्रेंडियोसिटी इस पेशेंट को आती है ग्रेंडियोसिटी तो वो किस टाइप में आते हैं डिल्यूजनल मीनिया इसमें डिल्यूजनस आते हैं ऑलरेडी मूड एक्साइटेबल होता है और विद मूड एक्ट के साथ इस पेशेंट को गेंडियोसिटी भी आ जाती है ओके थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप ऑफ मीनिया जिसको हम बोलते हैं बेल्स मीनिया या जिसको हम बोलते हैं डिलीरियस मीनिया जो ये बेल्स मीनिया या डिलीरियस मीनिया है आपने टर्म सुना होगा कि ये वो टाइप ऑफ मीनिक डिसऑर्डर है या मीनिया है जिसमें डिलीरियम पाया जाता है डिलीरियम आपने नाम सुनोगा डिलीरियम ट्रिमनस जो आज याद होगा मैंने पढ़ाया था अल्कोहल में जब अल्कोहल विड्रॉल होता है तो पेशेंट को डिलीरियम ट्रिम होता है इसमें क्या होता है इस पेशेंट में क्या होते हैं दियर इज द साइकोमोटर एक्साइटेबिलिटी क्या होती है इस पेशेंट इस टाइप में साइकोमोटर एक्साइटेबिलिटी दैट मीन्स एक्साइटिबिलिटी दैट मीनस जो इसकी पो पेशेंट की जो मोटर एक्टिविटी है अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कैटाटॉनिक शीजोफ्रीनिया में वहाँ पर कैटाटोनिक स्टूपर था और कैटाटॉनिक एक्साइटमेंट थी तो इसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इन होने लगती है वो अनस्टेबल होने लगती हैं किस टाइप में बेल्स मीनिया या डिल्यूजनल डिलीरियस मीनिया में इसमें जो मेन चीज हो जाती है दैट इज साइकोमोटर एक्साइटेबिलिटी और एक बात मैं बोल, बोल गया कि जो ये डिल्यूजनल मीनिया है या एक्यूट मीनिया है इन चीजों में क्या होता है देयर इज नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन क्या होते हैं यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है बट इन हाइपोमीनिया देयर इज नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और बिल का मतलब है कि इसमें मेनली एक पेशेंट की साइकोमोटर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है वो कैटेटोनिक स्टूपर हो या कैटेटोनिक एक्साइटमेंट हो तो जिसकी वजह से इस पेशेंट को बहुत सारी मूवमेंट प्रॉब्लम हो जाती है क्लियर तो जो ये बैल्जमीनिया है अगर इस पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई अगर इस पेशेंट विद डिले बेल्स मीनिया अगर इस पेशेंट में सीवियर डिहाइड्रेशन आ गई इस पेशेंट को चांसेस है डेथ होने के पेशेंट विल बिकम पेशेंट विल डाई चांसेस ऑफ डेथ बहुत ज्यादा है अगर पेशेंट इस सीवियर डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ मीनिया वन इज हाइपोमीनिया निया डिलीजनल बेल्स और डिलीरियस मीनिया इसमें मूड चेंजेस स्टार्ट होने लगती हैं बट अगर मूड चेंजेस हो जाएंगी एक्सेटेबिलिटी हो जाएगी तो देर इज नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्यूट में क्या होता है देर इज अ स्टेज जो फर्स्ट स्टेज ऑफ मूड चेंजेस है दैट इज यूफोरिया तो वो स्टार्ट होने लगती है तो अगर वो वहां पे इस स्टेज में स्टार्ट पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और डिल्यूजन में क्या होते हैं इसमें बहुत सारे डिल्यूजन आते हैं तो मेन डिल्यूजन इसमें दैट इज इस गेंड, होती है तो इसमें भी नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन होती है और उसके बाद है बेल्स मीने या डिलीरियास मीने इसमें आपने बोला दिस टाइप ऑफ मीने इज विद द डिलीरियम इसमें एक मोटर साइकोमोटर एक्सेटिबिलिटी आती है साइकोमोटर चेंजेस आ जाती है मूवमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर मैंने जो बोला है कि कैटाटोनिक स्टूपर हो सकता है या कैटाटॉनिक एक्साइटमेंट हो जाती है तो अगर इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी इस पेशेंट को बैलजमीनिया में तो पेशेंट की चांस है डेथ की को दीज वेर द फोर टाइप्स ऑफ द मीनिया जो हमें इसमें डिस्कस करनी थी क्लियर तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द डायग्नोस तो इस पेशेंट विद डिसऑर्डर तो इसमें हम कैसे डायग्नोस करते हैं मेनली जितनी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं इसमें हम क्या करते हैं देयर इज द फर्स्ट थिंग नेक्स्ट टॉपिक इज डायग्नोसिस डायग्नोसिस में मेनली हम क्या करते हैं सिंपल चीज इज द हिस्ट्री टेकिंग क्योंकि जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं तो ये हमें मेनली पता चल जाते हैं जब हम एक पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं या किसी की फैमिलियल हिस्ट्री हो या कहीं पे या कहीं पे फ्रेंडशिप सर्कल में तो इस पेशेंट को पता चल जाता है कि इसने के क्या करता है कौन सी प्रॉब्लम इसकी इफ़ेक्ट हो गई है तो दैट इज कम्स अंडर हिस्ट्री में आता है दैट इज़ हिस्ट्री टेकिंग तो हिस्ट्री टेकिंग से हमें भी पता चलता है कि हम इस पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं और सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपने सुना होगा दिस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन तो अगर आपको ये लेक्चर नहीं सुना होगा आप लास्ट में मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया है तो वहाँ पे मैंने ये डिटेल्ड में देखा है कि इस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं तो सेकंड थिंग इज जिस का जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट का कौन सा डिसऑर्डर है दैट इज़ द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन तो दिस आट द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को किस डिसऑर्डर से किस डिसऑर्डर से जूझ रहा है किस डिसऑर्डर में मुबतला हुआ है तो दैट इज दैन टू डायग्नोस्टिक विच यू यू नीड टू फॉर फाइंडिंग आउट द एनी साइकट्रिक डिसऑर्डर